बच्चे पैदा होने के बाद आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या तब्दीली है? जी बहुत से सवाल कर दिए मुझे यार, सुकून आया, गुस्सा खत्म हुआ। We became more sober. बहुत sober, sensible. पहले जितनी हमारी लड़ाइयाँ होती थी वो आधी हो गई, जैसे जैसे बड़ी हो गई। जैसे कल मुझे कह रही थी, हम लड़ रहे थे, कहती यार अदी क्या कर रहे हो यार, बच्चियाँ बड़ी हो गई, कुछ तो खुदा का खौफ करो, मुझे भी लल्ले आज हुआ। फिर मैंने अभी तक मानी नहीं है, प्लीज मान जाओ, मान जाओ, सॉरी यार, सॉरी यार। चलो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहे, तो मान जाओ। हाँ मैं, सॉरी सॉरी यार, नेक्स्ट लेवल है तू टीपू, मैंने कहा यार, पता कि वो पता क्या, जब आप मैं एक बात पे बिलीव करता हूँ, अगर आप हक पे हो ना तो खड़े रहो। इसने अभी कहा था कि जो बात गलत है ये मैं नहीं मानता, लेकिन अच्छा, वैसे हमें बिल्कुल नहीं पता चला कि रात को इनकी लड़ाई हुई है, तो बिल्कुल दोनों ऐसे बैठे हुए। नहीं, ये मेरा है, ये इसका कमाल है। मैं ऐसे कहती हूँ, जो रात को बात हुई ना वो सुबह रिपीट नहीं होना है, ठीक है? अरे वाह, हो गई, अगर हम यही लेके चलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल, आपकी रिलेशनशिप में क्या तब्दीली आई बच्चों के बाद? तुमने कम बोला आज के प्रोग्राम में, तुम ही बताओ। हाँ, मैच्योरिटी आई है, और जो पहले मतलब ज़्यादा टाइम साथ होता था, तो अब ये कि टाइम डिवाइड हुआ है, और क्या आई है आप बताएं। और ये घर में भी सेंसिबल हुए हैं, लड़ाई जो है अब हमारे टॉपिक पे कम होती है, बच्चों के टॉपिक पे ज़्यादा होती है लड़ाई, के जो महवर है अब कुछ और हमारे टॉपिक पे, मतलब कोई हमारी ऐसी बहस नहीं होती है, अगर होती है तो बच्चों से रिलेटेड ही होती है। अच्छा, जब और मतलब यही जो भी हम सोचते हैं आगे बच्चों के लिए सोचते हैं, अब अपना इतना नहीं सोचते जितना बच्चों के लिए सोचते हैं। वो आपको टीम बना देती है, आपको अपने आप से छुटकारा मिल जाता है। टीपू भाई, जब पहले बच्चे की जब पैदाइश हुई, जब आपने बेटी को गोद में उठाया, तो अपने आप से आपने क्या बात कही? मैंने कहा मुझे कोई अवार्ड दुनिया में चाहिए, आई गॉट द बेस्ट रिवॉर्ड ऑफ माई लाइफ, मुझे ऑस्कर मिल गया, इससे बड़ी दुनिया की कोई नेमत नहीं। व्हेन आई वाज होल्डिंग, खुशी का नाम भी मैंने पहले आई थी ना, तो जब खुशी मेरे पास आई ना, तो मैंने कहा इससे खूबसूरत चीज़ कोई हो सकती है दुनिया में? हमने रोशनी सोचा था नाम इन्होंने, खुशी जब उस टाइम मैंने आई यार, मैं तो मेरी खुशी है उसी टाइम का नाम इतना यार, ये मैं तो मेरा ख्याल है उस हॉस्पिटल में कोई ऐसा बंदा था जिसको मैंने गुलाब जामुन ना खिलाया, मैं लेकर आया था। और हॉस्पिटल वाले भी कह रहे होंगे अच्छा यार बेटी की बधाई है, कम ही देखी है, सब कुछ सेलिब्रेट की है, बहुत सेलिब्रेट किया। मैंने वो उस दिन कैमरा मैन एक बुलाया होता है, जितनी भी तस्वीरें हो सकती है, मैं कहता हूँ ये लम्हे जो है ना मैं इनको कैद कर लूँ। तो द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ व्हेन अल्लाह मियां गिफ्टेड मी माई फर्स्ट चाइल्ड, माई ट्विन्स। और आपने क्या बात की थी जब आपने अपने बेबी को पहले बेटे को, इन्होंने जब बेटी को देखा था तो देखते ही कहा था कि तो पराई हो जाएगी, और क्या है पहला ख्याल क्या हो गया, तो बहुत छोटी है। हाँ, बस ये ख्याल पहला आया था, वो मुझे याद रह गया। हाँ। बेटे के उसमें तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ वो भी थोड़े से मसाइल का शिकार हुए थे हम लोग, तो बड़ा ध्यान में रखना पड़ा था। तो फिर जब हमदान हुआ है तो एक अलग ही वो था, और फिर उसके बाद जब वो टेस्ट के लिए ब्लड निकालते हैं, वो जो रोया है ना, मुझे सिर्फ उसका वो रोना याद है, वो यहाँ ऐसा लग रहा था किसी ने ना ये बिल्कुल ऐसे करके पकड़ लिया, दिल हिला के रख दिया। उफ, वो मैं रो पड़ा। सबसे बड़ी बताऊँ, सबसे बड़ी तकलीफ पता क्या दुनिया में, अपनी औलाद को प्रॉब्लम में देखना या उनको तकलीफ में देखना, ऐसे ही ऐसे। अब मैं फील कर सकता हूँ, वो मेरे पेरेंट्स जब ये कहते थे ना कि भाई तुम जब पेरेंट्स बनोगे तो तुम्हें पता लगेगा, जब बने तभी पता लगा भाई। तो मैं सोचता था उनको पर रखे, क्योंकि हम लोग ना माँ बाप वाली प्लेस पे आते हैं, तो हम और हमारे बच्चे हम ये सोच रहे होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि वो पीछे हमारे पेरेंट्स वो क्या सोचते हैं अभी भी। आज भी मेरी वालदा, मतलब अभी मैं इस्लामाबाद से, वो उन फिगर में थी, दुआओं में थी, इशार में थी कि एयर ट्रैवल है, खैर से उतर जाइए, और मुझे बेटा तुम बता देना। हाँ अम्मी मैं भूल जाऊंगा, ये आप 100 चीज़ें होती हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो यही होता है। फिर पापा भी ये, लेकिन वालिद जो होते हैं ना, वाले दिल में कितना बड़ा दर्द रखता है वो ये बताता नहीं, कितनी बड़ी बात है सर। बाप नहीं कभी, क्योंकि हम वो कहते हैं कि बाप मजबूत है, तो बाप अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी वीकनेस की शो, हाँ वो वल्नरेबल नहीं नजर आएगा ना, वो एक्सपोज हो जाएगा, वरना फीलिंग्स के मामले में एक पूरा सलाब होता है, वो नहीं होता एक्सपोज। अच्छा, आपको लगता है बच्चों की बेटों की तरबियत पे खुसूसी तौर पर जब ये कह रहे थे कि जी रोना नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं है, आपको लगता है कि गलत चीज? जी गलत है ना, देखें मेरी बात सुना, हमारे बाप दादाओं में पुराने ज़माने से जो रिवायात और जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं ना,
अगर हमें इतना बेहतर तौर पे शऊर आ गया इस दौर के अंदर तो हम उनको वीटो कर सकते हैं, हम उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। वो बकवास रिवायात जिनकी वजह से मसाइल होते हैं हमारी जिंदगियों में, उनको आप परे कर दें, और वो रिवायात या वो कल्चर जिससे पॉजिटिविटी इंगेज होती हो, अच्छा फील गुड फैक्टर को सॉलिड बच्चों को अलाउ, अपने बेटे को अलाउ किया कि वो अपनी वल्नरेबल साइड दिखा सके, वो अगर उसको रोना हो तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग उसको मना करें। नहीं 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 नहीं, ऐसा हम कहते हैं तुम करो, वो सेंसिटिव है ज्यादा, उसको फिर समझाते हैं नहीं बेटा इतना सेंसिटिव नहीं होता, बेटी नहीं है, थोड़ा कम हो जाए सेंसिटिव। हां बेटी लाओ भाई, बेटी दबाएंगे भाई उसको, चाइल्ड है ना वो, ऐसे बड़ी दबंग होती है। मुझे पता है टिपू भाई आपकी माशाल्लाह से 4 बेटियां, एंड आपको हम देखते जिस तरीके से आप उनके सदके वारी जा रहे होते हैं, लेकिन आपको कभी लगा कि ओ हरी 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 ओ ये मदिया 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 की शो में है तुम, ये एग्जैक्टली हमारे शो की पिक्चर है, मैं आज भी वैसे ही दिखता हूं। हां सानिया रिवर्स गियर लगा लिया ना, रिवर्स गियर लगा लिया। तो मुझे बताएं मतलब बेटी भाई, आप जो कभी आसपास से हमारी क्योंकि आवाजें पड़ती ना कि बस अल्लाह बेटा, तो कभी आपको चीज़ें बॉदर की कि यार मुझे मसला नहीं तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? सर बहुत मरतबा हुआ, मैं जब मेरी चौथी बेटी हुई तो खानदान में किसी भी तेरे घर चौथी बेटी तुम्हें, हमारी तो पांचवी भी पैदा कर दी थी लोगों ने, मैंने कहा बात आपको क्या प्रॉब्लम है, अब मुझसे अफसोस कर रही, मुझे मुबारकबाद दे रही। मैंने उससे बात, मैंने उससे बात, घर में आटा दाल डाली यार, गुड वन यार, गुड वन, हमने यही बोला ना आप आटा दाल डाली, मैंने उनसे उनसे दोबारा कभी बात नहीं की, मैं कहा दफा हो यार। और ये अल्लाह की खास मेहरबानी है, मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, आज तक कभी मन में आया ही नहीं, मेरी अल्लाह ने औलाद दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कहते हैं ना बेटियों से डर नहीं लगता, नसीबों से लगता है, जैसे उन्होंने पहली बात ही कह दी कि तो पराई हो जाएगी। नहीं मेरी, मैं जितनी मर्जी शादी वादी हो जाए, मैंने तो सोचा हुआ कि भाई उनके बच्चों को कंधों पे खिलाऊंगा, जाया करूंगा। अच्छा आखिरी बच्चे सर इंसान की होती है, बेटा तुम्हारे लिए ना हम जरा घर दबा लेके, तो आपने भी सोचा मैं सबसे छोटी का कब घर दामाद लेकर आएंगे? नहीं मैंने नहीं ऐसा कुछ सोचा हुआ, आई एम नॉट थिंकिंग। वो हमारे घर की ना एक रोना के बिल्कुल लाइक वो, अच्छा आप तस्वीरें देखें, वो जो उसके एक्चुअली ना छोटी वाली की वो और किसी की नहीं, अच्छा सब खड़े वो देखें ये चीज, बाकी बहनें आराम से खड़ी हुई, अब दूसरी भी मैंने किसी भी पिक्चर में जो सबसे छोटी वाली इनकी बेटी ना उसको सीधा खड़े ने देखा, फेस पे है शरारत। अच्छा और सबके एक जैमक से देखते एक जैसे कपड़े के था ये रहते, माशाल्लाह माशाल्लाह इसके ना बिल्कुल एक्शन ही जरिए एक्शन इसके डिफरेंट, कोई तो रोक लो। अच्छा मुझे बताएं कि ऐसी कौन तीन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपके बच्चों के लिए बिल्कुल मना है, जो आपने बच्चों को मना किया बेटा ये तीन चीजें नहीं करनी बताओ। एक तो ये कि मतलब मैं आईपैड पे बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाती हूँ कि सिर्फ वीकेंड पे, अभी इनको जो नए जो ऑनलाइन गेम्स आए हैं तो मैंने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, एक ये चीज़ है जो रिसेंटली हुई हुई है, उसके अलावा ये उसके अलावा जो गॉसिप वाले चैनल है ना मैं उनको मना करता हूँ। हाँ। मैं उनको कहता हूँ टेडएक्स देखो, और जिससे एक आपका आप इंटेलेक्चुअल माइंडसेट बने ना, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग बने, वो चैनल्स अभी से देखो। हाँ। वो चीज़ अभी से बीज बोना पड़ेगा आने वाले दौर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे अभी से फ्रेडरिक नीचे निकले या कुछ और निकले हैं, फिलोसोफर निकले हैं, कहने का मकसद ये है कि रियलिटी से नज़दीक करें ना अभी से। हाँ। मैनिफेस्ट करें, जरूरी है, ये जरूरी है। आप बहुत ज्यादा इनको लगा नहीं सकते एंटरटेनमेंट के ऊपर। हाँ। तो आधा घंटा एंटरटेनमेंट और आधा घंटा नॉलेज है, क्योंकि मुझे नॉलेज का बहुत शौक है, तो मैं कहता हूँ नॉलेज जरूर है। तीसरी चीज जरूर है, तीसरी चीज़ ये है कि मतलब यही कि जो है मतलब अपना अपने आप को बहुत जैसे अपने किसी को मतलब बहुत सॉफ्टली किसी सबसे बात करें, कोई किसी को हर्ट नहीं करना। जैसे माशा मेरी बेटी की आदत है वो सूरज सुने बगैर नहीं सोती है। तो मुझे वजह है कि इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू रखना है, जिसमें रिलीजियोसिटी बेटे और बेटी के अंदर ट्रांसफर की है, वो जरूरी है। अपनी रूट से दूर नहीं रहना चाहिए। आपके यहाँ तीन से कौन सी बात है जो? अच्छा मेरी तीन तो नहीं, मैं ये है कि मैं अपनी मेरी जो बेटी है ना मैं उनकी फ्रेंड, मतलब मेरा उनके साथ ऐसा ताल्लुक है कि मेरी बच्ची जो भी कर रही है ना वो मुझे पता है, एंड वो मुझे बताती है सबसे, और मैं उनके साथ बैठ कर उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना, सारी चीज़ों को डिस्कस करना, इवन मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो इंस्टाग्राम की भी आईडी है तो वो मुझे दिखाएगी बताएगी कि मामा ये हो रहा है वो, तो मुझे ये चीज़ अच्छी है कि मेरा बच्चा किसी और को नहीं बता रहा है, वो सबसे पहले मुझसे डिस्कस कर रहा है, मुझे बता रहा है। तो मुझे ये चीज़ अपने बच्चों में इंडोर्स करनी पड़ी है उनके साथ। और हम दोनों का बिहेव भी ऐसा है कि हम अगर पेरेंट्स हैं तो हम एक दूसरे के पहले दोस्त हैं। जब हम अपने बच्चों के दोस्त बनेंगे, मेरी बेटी है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि एक होता है ना लड़के के साथ आपका लेवल अलग होता है लेकिन लड़कियों के साथ ऐसी ना दे बच्चों को। हाँ। तो मेरी बच्चियों को माशाल्लाह हमें देख कर ना उनको लगता है कि हम एक अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं, तो वो हमें बताते हैं, बल्कि हमें
सिखाते हैं कि मामा आप इस तरह ना करें, इस तरह करें, ये ना करें, वो करें, तो वो हमें ज़्यादा सिखाते हैं हमारे पेरेंट्स। मैं उनको ये कहता हूँ कि डोंट अलाउ एनीवन टू टेक योर स्माइल फ्रॉम यू। डोंट अलाउ एनीवन टू टेक योर स्माइल फ्रॉम यू एंड रिएक्शन इज अ चॉइस विच डिफाइंस कैरेक्टर। बहुत जिंदगी मुश्किलें आएंगी। मैं उनको उस तरह से कुछ, मैं उनको अभी तक मैंने उनको जो है ना अपना कायदे आज़म नहीं दिखाया। मैं कह रहा हूँ कि लेट देम बी माई फ्रेंड राइट नाउ, क्योंकि 5 से 7 साल तक बच्चे की गुलामी करो, 7 से 12 साल दोस्ती करो, तो मैं अपने दोस्ती मोड में हूँ। तो फिर अभी मेरा, मुझे लगता है कि अब मेरा टीचर बनने का टाइम आ रहा है, बट आई वॉन्ट देम टू एक्सप्रेस देम सेल्व। दर्द होगा, मुस्कुराएंगे भी, रोएंगे भी, क्या कहते हैं, बट वही वट एवर दे डू। मैं मुझे जैसे मेरी कल बेटी मुझे रोशनी कहती है, बाबा हम मेरे मार्क्स का मैं डिसअपॉइंट, मैं बेटा नहीं, आई जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी। अपने लिए पढ़ो, मेरे लिए ना पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो। मैं आई वांट टू सी मोर सक्सेसफुल, आई वांट टू सी मोर हैप्पी। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा अजीज है। तुम्हारी कहती मैटर नहीं करते, आपने सीखा क्या है वो मैटर करता है। स्कूलिंग तो आपको पता है हमारे यहाँ की माशाल्लाह से कैसी है।